क्वेश्चन पे होते हैं, एक दो क्वेश्चन परफेक्टली सोल्व करना, एक तरीका जो हम क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया जाए, वो एक तरीका है। तो मेरे बच्चे हमें क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया जाए आज उस पॉइंट की क्लास है। तो उस तर्ज पे आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी पेपर में सवाल आता है तो कैसे हम ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सही कर लें, या ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुँच जाए, या ऐसा कौन सा तरीका है कि उसको बिना कॉन्सेप्चुअली सोल्व करे भी हम सीधी सीधी बात तक पहुँच जाए। प्रेम प्यार से उसकी गहराई को पकड़ने की कोशिश करिए, एक वक्त आएगा जब आप सारी बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, इसको सीखे बिना भी कंपटीशन को क्रैक करना आज के समय में मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 9। आज हमारे टॉपिक का नाम है 9। ये 9 अपने आप में बहुत खतरनाक है, ये 9 अपने आप में मेरे बच्चों बहुत खतरनाक है। इससे ना जाने कितने इनफाइनाइट क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो आज मेरे बच्चों हम 9 के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा नियम है 9 की विभाज्यता का, कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। Whenever the sum of all digit of a number is divided by 9, then the number will automatically divided by 9. क्या कहा? मैं लिखवा देता हूँ। मैंने लिखा, मैंने कहा है कि if sum of all digit if divisible by 9, then number is also divisible by 9. यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 9 से भाग हो गई। आप अगर ये पूछना चाहें सर ये नियम कैसे बना, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू इस नियम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये नंबर सिस्टम का पार्ट है कि मान लीजिए कोई नंबर है ABC और मैं चाहता हूँ ये 3 अंकों की संख्या है, 3-डिजिट नंबर है, ये बताइए 9 से डिवाइड हो तो इसमें कौन सी खूबसूरत बातें होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू की फॉर्मेट में ब्रेक किया जा सकता है। तो ये मेरा यूनिट डिजिट हुआ, ये मेरा 10th डिजिट हुआ, ये मेरा 100th डिजिट हुआ, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये हज़ार सैकड़े का अंक, सॉरी। तो इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस, हाँ या नहीं, इस नंबर को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 100A को लिख सकते हैं 99A, बचा A आगे लिख लेते हैं, 10B को लिख सकते हैं 9B, बचा B आगे लिख देते हैं और ये वाला C आगे। अब मेरे बच्चों यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो आप जानेंगे यहाँ बचेगा 11A प्लस में और ये बच गया ए प्लस बी प्लस। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्या हो कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए,
एबीसी में ऐसा कौन सा खूबसूरत संबंध आप देखना चाह रहे हैं कि 9 से भाग हो जाए, तो आप मुझे कहेंगे कि सर देखिए ये संख्या तो 9 से भाग हो जाएगी। अगर हमने किसी संख्या को 9 से गुना कर रखा है तो 9 से भाग हो जाएगी। भाई कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने 9 × 5 लिया, मैं कहूँ 9 से हो जाएगी डिवाइड, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 9 ऑलरेडी दे रखा मल्टीपल में, तो ये इससे डिवाइड होकर 0 शेषफल ला देगा, हाँ है ना। तो ऐसे ये नंबर तो शेषफल 0 ला देगा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड कराना चाहता हूँ तो मेरा शेषफल यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तभी तो शेषफल 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो ही तो पूरे का रिमाइंडर मेरे बच्चे 0 आएगा, अरे हाँ है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी प्लस